मामला विजयपुर थाने का। 9 वर्षीय बच्ची का अपहरण करके ले जा रहे 2 आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। चॉकलेट खिलाने का लालच देकर कर रहे थे वारदात। 2 आरोपियों ने एक बाइक से 9 वर्षीय बच्चे के अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ से बाइक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों आरोपी रुके नहीं और बच्चे को बाइक से फेंक कर भागने लगे। इतने में ग्रामीणों ने उनका पीछा करते हुए गांव निकलने से पहले पकड़ लिया और तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपी अनिल रजक और आकाश रावत पास के ही गाँव के निवासी हैं, जो 9 वर्षीय बच्चे भानु को अपहरण करने ही आए थे। अभी तक अपहरण करने का कारण का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस अभी दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। घर के पास ही बैठे चॉकलेट खिलाने का लालच देकर ले गए 2 बदमाशों से 9 वर्षीय बालक के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को घेरा। बदमाशों ने बालक को मोटरसाइकिल से फेंक कर भागने की कोशिश की। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। पूछताछ जारी। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है, और ये 2 लड़के गए थे, उसको पकड़ के लेके आए कुछ 2-5 रुपए के चक्कर में। फिर चलती हुई मोटरसाइकिल से उसको छोड़ दिया, तो उसका दांत टूट गया और उसको इधर भी चोट है, वो पाँव में भी चोट है, हाथ में भी चोट है, उसको थोड़ी है इधर भी बहुत ज़्यादा गहरी चोट है। वो मालूम नहीं है कौन है, वो मेवरा के, ये मेरे को पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। भूपेंद्र रावत, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है, मेरे बच्चे का नाम भानु प्रताप रावत है। मेरे बच्चे को गांव में खेल रहा था, बीच गांव में मेरे बच्चे को बिस्किट टोपी देने के बहाने 2 लड़के उसको बाइक पे बिठा के लेके जा रहे थे। जब एकदम गांव के एंड में आया तो बच्चा चिल्लाया तो गांव वाले चारों तरफ से दौड़ पड़े। इतने में उसको गाड़ी से उठा के, चलती गाड़ी से फेंक के भाग। पहचान हुई क्या? नहीं, उनकी पहचान नहीं थी, हम पहले से कभी नहीं जानते थे। फिर गांव वालों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया।